हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड क्लासेस। अब हम क्वेश्चंस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के। सो क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट के थोड़ा सा हम वॉर्म अप कर लेते हैं, या फिर कहें तो जो अप्रोच यहाँ पर यूज़ होगी उसके थोड़े से बेसिक्स सीख लेते हैं। ओके सो अगर मैं स्टार्ट करूँ कि 125% है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 125 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 5/4। ओके 150% को हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लिख सकते हैं 3/2। 50% को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/2। 200% को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2। 120% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 6/5। ओके अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे टोटल मार्क्स किसी भी एक सब्जेक्ट में 150 हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स हैं 150, ठीक है, और उसमें मेरे 75% मार्क्स आए हैं, उसमें मेरे 75% मार्क्स आए हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 75% ऑफ 150, मतलब मेरे मार्क्स कितने आए, 75% ऑफ 150। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 150। ओके और एक और चीज हम क्या लिख सकते हैं, 75 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 100, ये भी तो लिख सकते हैं, और इसको आगे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 75 इंटू 150%। ओके और क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं 150% ऑफ 75। मतलब जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें टोटल मार्क्स गिवन हो और उनके परसेंटेज गिवन हो तो उसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। मतलब कि अगर टोटल मार्क्स गिवन है, लेट अस सपोज अगर टोटल मार्क्स गिवन है 200 और उसमें से परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने आए हैं, 63, तो अगर मैं टोटल मार्क्स पूछूं तो इसमें हम 63% ऑफ 200 की जगह 200% ऑफ 63 लिख सकते हैं। तो 200% ऑफ 63 क्या हो जाएगा, 63 का डबल, 63 का डबल क्या हो जाएगा, 126, 126। ओके सिमिलरली अगर मेरे टोटल मार्क्स हैं 120, ओके और मेरे परसेंटेज हैं लेट अस सपोज 55% मेरे मार्क्स आए हैं, तो अगर मैं मार्क्स पूछूं कि मार्क्स कितने आए हैं, तो मैं 55% की जगह 120% ऑफ 55 लिख सकता हूँ, ठीक है। 120% ऑफ सिक्स और 55 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6/5 इंटू 55 या फिर 66। ओके तो बस यही चीज आपको यहाँ पर क्लियर करनी है कि आगे जो अगर क्वेश्चंस यूज होंगे उसमें हम टोटल मार्क्स का अगर परसेंटेज गिवन है तो उसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो DI जो गिवन है उसमें एक टेबल गिवन है और सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, और स्टूडेंट दिए हुए हैं ABCDEF, और उन स्टूडेंट्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी में कितने कितने मार्क्स आए हैं परसेंटेजेस में, ये भी गिवन है। सो अगर हम अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे उसमें पूछा गया है, व्हाट आर द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट ए इन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर। सो ए ने सारे सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स यूज़ करे, हम सेम अप्रोच यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक बताऊँ आपको, ए ने फिजिक्स में, ए के फिजिक्स में कितने मार्क्स आए, उसके मार्क्स आए 52% और उसके टोटल मार्क्स कितने थे, 75। ओके 52% आए किसके, 75 के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 52% ऑफ 75। जैसा कि मैंने आपको समझाया था इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 75% ऑफ 52, और इसको हम 75% को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3/4, 3/4 इंटू 52। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 39। ओके सो हम पूरे क्वेश्चन को इसी तरीके से यूज करेंगे, मैं इसको नहीं लिखूंगा, मैं 75% ऑफ इसको भी नहीं लिखूंगा, मैं बस बोलूंगा और डायरेक्ट ये वैल्यूज यूज करूंगा। कौन कौन सी वैल्यू, 3/4 इंटू 2, 6/5 और 3/2। ओके सो अगर हम आगे और क्वेश्चन करें तो
अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में उसके आए हैं 60%। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 75% ऑफ 60, हम इसको लिख सकते हैं 75% ऑफ 60, मतलब हम लिख सकते हैं इसको 3/4% ऑफ 60, 3/4 × 60, और इसको हम लिख क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 15 या 45। ओके, सिमिलरली अगर हम बायो में देखें तो बायो में कितना है उसके, बायो में भी 3/4 × 88। मैथ्स में कितने हैं, मैथ्स में उसके 2 × 59। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। टू मैंने क्यों यूज़ करा, क्योंकि उसमें टोटल मार्क्स कितने हैं, 200। ठीक, और आगे अगर हम देखें हिंदी में, तो हिंदी में उसके हो जाएंगे 120 हैं, तो 6/5 × 65। और इंग्लिश में अगर हम देखें तो 3/2 × 68। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है, ये है 22, ये हो गया 66, ये कितना हो गया जस्ट इसका डबल, 118। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 78, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 34, ये हो गया कितना 12102। जब हम इसको इन सबको टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 448। दिस विल बी आवर आंसर, इतने टोटल मार्क्स आए किसके, ए के। अब अगर हम हमारा सेकंड क्वेश्चन देखें तो उसमें बोला गया है, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 6 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने आए हैं सबके। तो अगर हम फिजिक्स में देखें, फिजिक्स में जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, 75। ओके, ए को कितने मिले हैं, ए को मिले हैं 52%। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 75% ऑफ 52। हम क्या लिख सकते हैं, ए को मिले हैं 52%, तो हम इसको लिख सकते हैं 75% ऑफ 52, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3/4 × 52। ओके, तो अगर हम इसको लिखें तो ए को कितने मिले हैं, 75% ऑफ 52। बी को कितने मिले हैं, बी को मिले हैं 75% ऑफ 80। सी को कितने मिले हैं, सी को मिले हैं 75% ऑफ 56। डी को कितने मिले हैं, डी को मिले हैं 75% ऑफ 60। ई को 75% ऑफ 64। और अगर हम एफ को देखें तो एफ को कितने मिले हैं, 75% ऑफ 76। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हम 3/4 सबको बाहर ले सकते हैं, 3/4 हम कॉमन ले सकते हैं और सबको ऐड कर दें, 52 + 80 + 56 + 60 + 64 + 76। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 3/4 × 388। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 97 × 3। ये हमारे पास टोटल मार्क्स आए किसमें, फिजिक्स में। फिजिक्स में टोटल मार्क्स कितने आए, ये आए। अब हमें अगर एवरेज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालने के लिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स है 6 ABCDEF। ओके, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स हैं 97 × 3, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 6 6, तो ये हो गया 2 टाइम्स, ये कितना हो गया 48.5, ये आ गया हमारा एवरेज। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट डी इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। तो हमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालने हैं डी के सब सब्जेक्ट के मिलाकर। तो अगर हम डी के मार्क्स देखें तो टोटल मार्क्स डी के कितने होंगे, तो सिमिलर चीज हम करेंगे डी में। अगर फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स में कितने आएंगे, फिजिक्स में आएंगे टोटल मार्क्स है फिजिक्स में 75, इसका मतलब 75% ऑफ 60। ओके, हम डी का लेके चल रहे हैं, और केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी 75% ऑफ 72, और अगर बायोलॉजी की बात करें तो उसमें भी 75% ऑफ 56, और मैथ्स में 200 मार्क्स हैं तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा, 75 का सॉरी 71 का डबल हो जाएगा, 71 का डबल मतलब 2 × 71 हो जाएगा। और अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में टोटल मार्क्स है 120, 120 मतलब 120%,
120% मतलब 6/5 into, और मार्क्स है 55। ठीक, और अगर हम इंग्लिश की देखें तो इंग्लिश में है, इंग्लिश में मार्क्स है 150। 150 मतलब 3/2 into 56। जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तो इनको सॉल्व करके ये वैल्यू आएगी, और इन सब का जब हम सम लेंगे तो इन सब का सम कितना आएगा, इन सब का सम आएगा 433। इसका मतलब टोटल जो मार्क्स आए डी के वो आए 433। और जब हम टोटल मार्क्स देखेंगे सारे सब्जेक्ट के, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उनका सम है, मैक्सिमम मार्क्स उनका सम कितना है, 75 फिजिक्स में, फिर 75 केमिस्ट्री में, फिर 75 बायोलॉजी में, फिर 200 मैथ्स में, हिंदी में 120 और इंग्लिश में 150। जब इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी, 695। तो अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, डी के मार्क्स कितने हैं, 433 आउट ऑफ कितने, 695 में से, और जब हम इन 200 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 62.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सी इन बायोलॉजी, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सी इन बायोलॉजी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ ए इन इंग्लिश इन 200, हमें ये निकालना है। तो अगर हम सी को देखें, सी ने बायोलॉजी में कितने मार्क्स गेन करे, सी ने बायोलॉजी में मार्क्स गेन करे हैं 64%, और बायोलॉजी में जो टोटल मार्क्स है वो कितने, 75। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 75% ऑफ 64 हो गए, ये तो हो गए सी के बायोलॉजी में मार्क्स। और अगर हम ए के इंग्लिश में मार्क्स देखें तो ए के इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, ए के इंग्लिश में मार्क्स हैं 68%, और टोटल मार्क्स कितने हैं, 150। तो हम कह सकते हैं कि 150% ऑफ 68, 150% मतलब 3/2 into 68 into 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 47 के अप्रॉक्स।